नमस्कार 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 नमस्कार। पथरी अगर बड़ी हो या छोटी हो, अगर पथरी को निकालना है तो आपको ये चीज़ें खाना पड़ेगा। देखो इसमें आंवला है, गाजर है, ककड़ी है, पालक है। आंवला, ककड़ी, गाजर, पालक और लाल वाला को लाल कुमड़ा। देखो ये सब आपको खाना है, ये सब। और सुबह 6 बजे से खा के ये मान लो कम से कम 5-6 घंटे कुछ नहीं खाना है। पथरी अगर निकालना है आपको पड़े 5-6 घंटे कुछ नहीं खाना है, ये बस खाना है बस। ये इसका मिक्स करके जूस भी बना सकते हो, लेकिन ये कच्चा खाओगे चबा चबा के तो और फ़ायदा करेगा। और पथरी बहुत जल्दी निकलेगी, कितनी बड़ी रहने दो, वो काट काट के सब निकाल देगी। हो जब आप ये खाते हैं ना, आंवला है, ककड़ी, गाजर, इनका मिश्रण जब जाएगा ना शरीर में, पथरी की कण कण पूरा साफ हो जाएगा, काट काट के सब निकाल देगा। ये देखो ककड़ी, पालक, जब इतना पूरा शरीर में जाएगा ना, तो पथरी आराम से निकल जाएगी। कम से कम 2-3 महीने में पूरा साफ हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन पथरी जरूर निकल जाएगी। लेकिन ये फल खाना है, आंवला, पालक, गाजर, ककड़ी, चबा चबा लो। 6 बजे सुबह बगैर मुंह धोए ये सब खा लो। इन सब का जूस कम से कम 6 गिलास रहना चाहिए, फुल गिलास, 6 गिलास पी के फिर कुछ नहीं खाना है 5-6 घंटे खाली पेट। भूख लगे तो फिर यही खा लो, कुछ मत खाओ। फिर देखो 3-4 महीने में पथरी कट के साथ ये सब फल हैं। पथरी को ऐसा काट देंगे ना, पूरा साफ हो जाएगा यार। ये सब खाओ, फल हैं, नुकसान तो करेंगे नहीं, फायदे करेंगे, खा सकते हो। तो मेरी तो बात यही है, अपने फलों से सारे आओ।